हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूट्यूब एंड स्क्रीन के बारे में। यूट्यूब एंड स्क्रीन क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा यूट्यूब एंड स्क्रीन होता क्या है, इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको इसका टेम्पलेट परचेज करना चाहिए या फिर खुद बनाना चाहिए, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें। अगर आपको जाननी है कैसे टेम्पलेट बनता है, कैसे टेम्पलेट को सेटअप कराया जाता है, कैसे अपना लोगो लगा सकते हैं यूट्यूब एंड स्क्रीन में, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अपने चैनल को ग्रो करने के लिए इस चैनल पर सारी मिलेंगी। तो बढ़ते हैं फिर वीडियो की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यूट्यूब एंड स्क्रीन होता क्या है। यूट्यूब एंड स्क्रीन में आप मैक्सिमम 3 वीडियो अपनी प्रमोट कर सकते हो, अपनी वीडियो के एंड में 5 से 20 सेकंड के बीच में अपनी एंड स्क्रीन लगा सकते हो और अपना चैनल का सब्सक्राइब का बटन भी लगा सकते हो, किसी और के चैनल को प्रमोट भी कर सकते हो या अपने दूसरे चैनल को भी प्रमोट कर सकते हो अपनी वीडियो के एंड में। कोई भी प्लेलिस्ट लगा सकते हो, कोई भी लिंक के थ्रू आप किसी वेबसाइट में भेज सकते हो। तो इस वीडियो में सारे सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि मुझे जो व्यूज मिले उसमें से कितने लोग एंड स्क्रीन पर क्लिक करते हैं मेरे चैनल पे और कितने लोग दूसरी वीडियो पर जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको दिख रही होगी एक यूट्यूब प्रमोशन वाली वीडियो है जो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, जहां पर मैं आपकी वीडियो को प्रमोट कर रहा था गूगल एड्स के थ्रू। आपको दिख रही होगी ये वाली वीडियो है, अभी इसको हटा देते हैं। तो इस पर 4625 व्यूज हैं करंटली अभी, और इस पर मैं आपको दिखा देता हूं कितने लोगों ने एंड स्क्रीन पर क्लिक करा। 1% लोगों ने एंड स्क्रीन पर क्लिक करा, तो 4700 लोगों में से 1% लोगों ने क्लिक करा एंड स्क्रीन पर, मतलब अराउंड 50 लोगों ने मेरी एंड स्क्रीन पर क्लिक करा, मतलब 50 लोगों ने एंड तक तो वीडियो देखी, साथ ही साथ एंड स्क्रीन की एक वीडियो पर भी क्लिक करा। तो 50 में से अराउंड 40 लोग तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं जो एंड तक रुके हैं मेरी वीडियो में। तो ऐसे आप भी सब्सक्राइब करा सकते हो, 1% एक वीडियो में से आया तो मेरी अभी करंटली 10 वीडियो है यूट्यूब पर, तो 10% हो गया। 10% आप मान लो 500 लोगों ने मेरी वीडियो पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करा, तो 500 व्यूज तो मेरे ऐसे ही बढ़ गए और सब्सक्राइबर्स भी कुछ ऐसे ही बढ़े होंगे। तो आप भी सेम चीज कर सकते हो, सेम टेक्निक अपनी वीडियो में लगा सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एंड स्क्रीन अपनी वीडियो में कैसे जोड़नी है। तो आपको यहाँ दिख रही होगी मैं अपने सॉफ्टवेयर पे हूँ, मैं फिल्मोरा से अपनी वीडियो एडिट करता हूँ। तो यहाँ पर फिल्मोरा 9 से मैं एडिट करता हूँ अपनी वीडियो। यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये मेरी एक वीडियो थी 5K सब्सक्राइबर्स इन 10 डेज जो मैंने रिसेंट अपलोड डाली थी, मेरे 5000 सब्सक्राइबर की ग्रोथ कैसे हुई पिछले 10 दिन में। तो वो वीडियो आपको आई बटन पर ही मिलेगी, सेम टेक्निक आप यूज कर सकते हो। 5000 सब्सक्राइबर जैसे मैंने ग्रो करे सेम आप भी ग्रो कर सकते हो अगर वो टेक्निक आप अपनी वीडियो में लगाते हो। तो ये वीडियो है, इसे मैंने आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो ये अभी एंड स्क्रीन चल रही है मेरी, तो आपने देखा मेरी एंड स्क्रीन किस तरीके की है, और ये सबसे बढ़िया एंड स्क्रीन है जो मुझे लगी। आप ये वाली तो परचेज एंड स्क्रीन है, आप फ्री टेम्पलेट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे कोई भी डाउनलोड कर लो, सारे कर लो, अलग अलग वीडियो में अलग अलग लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी, मेरे पास 2 हैं, दोनों परचेज हैं, मैं लगाता हूँ अपनी दोनों वीडियो में अलग अलग। इस वीडियो में अलग मिलेगा आपको, इस वीडियो में अलग है, देख लो इस वीडियो में ये वाला है, दूसरी आज वाली वीडियो में कुछ अलग मिलने वाला है। ये दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने सेटअप किया, आपको कुछ नहीं करना, आप जहाँ पे अपनी वीडियो को डालते हो नीचे डाउनलोड्स में से जाके टेम्पलेट डाउनलोड कर लो। ये टेम्पलेट आप अपनी वीडियो के एंड में लगाना है आपको, जहाँ पर भी आपकी वीडियो रहती है, जैसे मेरी वीडियो यहाँ पर एंड हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, आपको दिखाता हूँ अपना एंड, यहाँ पे मेरी वीडियो एंड हो चुकी है। अब मुझे एंड स्क्रीन लगानी है, तो आप एंड स्क्रीन ऐसे लगा सकते हो, कुछ देखो ये वीडियो एंड स्क्रीन में मेरी लग चुकी है। बैकग्राउंड म्यूजिक मैं दूंगा जो मुझे देना है, जो मेरी पूरी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगा है उसको ही थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करके
मैं इस वीडियो में मतलब एंड स्क्रीन में लगा देता हूँ। तो अगर आप फोन से कर रहे हो तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फ्री सॉफ्टवेयर से करो, क्योंकि जो भाई स्टार्टिंग यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास इतना मनी नहीं होती अपनी वीडियो के लिए, मतलब कि हर चीज वो परचेज कर सके, गूगल एड से प्रमोट कर सके। इसलिए मैंने भी ये चीज फेस करी है। अब तो मैं परचेज वाला ले सकता हूँ, पर आप जब थोड़ा ग्रो हो जाए चैनल, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाए 10K 5K, तब आप परचेज कर लेना। पर अगर आप छोटे यूट्यूबर हो 500, 600, 1000, 2000, तो भाई आप फ्री वाला टेम्पलेट जरूर यूज कर लो। मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइबर की ग्रोथ जरूर होगी। अब इतना हमारा हो चुका है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे अपनी वीडियो में कैसे लगा सकते हो। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो में कैसे इसे लगा सकते हो, एंड स्क्रीन को कैसे लगा सकते हो। ऑलरेडी पब्लिश वीडियो है तभी आप एडिट कर सकते हो अपना एंड स्क्रीन, अगर पब्लिश नहीं करी करने वाले हो तब भी लगा सकते हो इस एंड स्क्रीन को। अब यहाँ पे एंड स्क्रीन पर मैं क्लिक कर दूंगा, जो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है उसको हम डिलीट कर लेते हैं। मैंने तीनों डिलीट कर लिए, यहां से हमारी एंड स्क्रीन शुरू हो रही है आप देख सकते हो। ये हमारी एंड स्क्रीन चल रही है जो हमने अपनी वीडियो में लगाई है। अब हमने अपनी वीडियो कैसे लगानी है, अपना चैनल कैसे लगाना है, वो आपको दिखेगा। यहाँ पे प्लस का एलिमेंट वाला साइन है, यहाँ पे आप क्लिक करो। वीडियो अपलोड करनी है तो वीडियो लगाओ, प्लेलिस्ट कर सकते हो, अपने सब्सक्राइब का बटन लगा सकते हो, चैनल को भी लगा सकते हो और लिंक भी लगा सकते हो। पर लिंक कुछ ही ऑप्शन में अवेलेबल रहता है, मतलब कुछ जैसे गूगल एक वेरीफाइड वेबसाइट है, तो लिंक मैं प्रेफर नहीं करूंगा, आपको प्रेफर करूंगा वीडियो, अपना सब्सक्राइब का बटन, साथ ही साथ किसी और का चैनल वाला बटन, अपना भी दूसरा चैनल लगा सकते हो, किसी और का भी दूसरा चैनल प्रमोट कर सकते हो। अभी हम वीडियो लगाएंगे, वीडियो का आप यहां सेट कर लो अपने एंड स्क्रीन के साइज के हिसाब से। जहां पे आपकी एंड स्क्रीन स्टार्ट हो रही है वहां ये आपकी टाइमलाइन है, यहां से स्टार्ट कर लो। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। एक और वीडियो लगाऊंगा मैं, वो हम यहां लगा लेंगे। इसको भी अपने टाइमलाइन में जहां से हमारी वो स्टार्ट हो रही है एंड स्क्रीन, वहां पे लगा लेंगे। अब हम अपना सब्सक्राइब का बटन लगा लेंगे, ये बीच में लगाएंगे बिल्कुल। अब मैं आपको दो चीजें और प्रेफर करूंगा, अपनी वीडियो वाले ऑप्शन में मोस्ट रिसेंट अपलोड बिल्कुल ना लगाना भाई। आप ट्राई करना बेस्ट फॉर व्यूअर, या फिर आप खुद स्पेसिफिक चूज कर लो। मैं चूज करता हूं हर वीडियो में। अब देख लो मैंने अपनी 5K वाली वीडियो लगाई है, मतलब 5K वाली वीडियो में प्रमोशन का लगाया है, तो मैं चूज करूंगा स्पेसिफिक जहां पर मैं जैसे प्रमोट कर रहा हूं आपका चैनल वो वाला लगाऊंगा, तो उससे मेरे प्रमोशन मतलब जो मैं प्रमोट कर रहा हूं वीडियो उस पर जरूर बंदा क्लिक करेगा कि भाई उसे, क्योंकि उसे भी अपना चैनल प्रमोट कराना है। दूसरी तरफ बेस्ट फॉर व्यूअर आप लगा सकते हो, या फिर बेस्ट फॉर व्यूअर लगाओगे क्योंकि YouTube अपने आप सर्च करके बता देगा कि भाई ये मतलब आपके चैनल में से कोई वीडियो पिक करके दे देगा कि ये व्यूअर के लिए बेस्ट रहेगी, तो वो लगा सकता है। साथ ही साथ आप अपने यहाँ पे चैनल किसी और का भी दे सकते हो, जैसे मैं कृष कुमार लिख देता हूँ, तो मेरा चैनल टॉप पे आ रहा है तो मैं अपना भी लगा सकता हूँ, पर अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा। अब हम यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद ये हमारा सेव हो चुका है, मैंने कुछ चेंज करे नहीं है, तो मेरा सेव वाला बटन यहाँ पे नहीं आ रहा, आपके में यहाँ पे पब्लिश वाला बटन आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर इस चैनल पर नए हो। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।